अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीमिनिया और सिट्रस पर थ्रिप्स का हमला। ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे सिट्रस के थ्रिप्स के हमला शुदा थे। और पौधे पर फाइंड आउट करने का तरीका देखते हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो के आखिर में इसका थ्रिप्स का बेहतरीन हल जो हो सकता है उसके बारे में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें, थ्रिप्स का हमला शुदा पत्ता है ये। ये हमेशा नरम शगुफों पर मिलेगी, उसको आप किसी वाइट पेपर पर छिड़कें, ये आपको दिखाई देगी बहुत बारीक बारीक। गौर से देखें, चलती हुई नज़र आएगी, उड़ती भी है। एडल्ट के पर होते हैं वो उड़ती है। फल के ऊपर जो इस तरह के निशानात होते हैं डंडी के साथ, ये थ्रिप्स का नुकसान है। स्क्रैच करके खाता है फल को। ये पत्ते डैमेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, जब नए शगुफों पर हमला होता है थ्रिप्स का तो वो इस तरह की शक्ल के हो जाते हैं, चुड़मुड़ करली। थ्रिप्स जो है, इसकी जो फीमेल है नए शगुफों पर अंडे देती है, टिश्यूज़ किस में 25 एग्स देती है वो एक टाइम में, 25 अंडे दे सकती है इसकी फीमेल। समर के गर्मियों के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, पूरा लाइफ साइकिल तेज़ हो जाता है, और ठंडे मौसम में बहुत स्लो। लार्वा इस तरह दिखाई देगा जैसे पिक्चर में अभी आपको दिखाई दे रहा है, और एक साल में ये 8 से 12 जनरेशन इसकी हो सकती हैं, और ये डिपेंड करता है वेदर पे, मौसम पे, 8 से 12। और 15 सेंटीग्रेड 14 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर डाउन होता है तो इसकी डेवलपमेंट नहीं होती। थ्रिप्स जो है ठंडे मौसम में बहुत स्लो अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका। पत्तों पर ये अभी दिखाई देगा आपको, पत्तों से हमने ये कागज़ पर छिड़का है, ये चलता जा रहा है। एडल्ट जो होता है उसके पर आ जाते हैं। जिक्र जैसे भी जिक्र किया कि थ्रिप्स जो है 15 सेंटीग्रेड से कम पर डेवलप नहीं होता, बहुत स्लो होगा। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इसकी कॉलोनियाँ तेज़ी से डेवलप होती है, इसका हमला ज़्यादा देखने में आता है। और ये अभी आप फ्रूट देखेंगे जिस पर ये थ्रिप्स का हमला है, ये स्क्रैच करता है ऊपर स्किन को, और उधर से जो रस निकलता है उसको चूसता है। इसके जो दांत हैं वो आरी नुमा होते हैं, जिस तरह आरी जिससे हम लकड़ी वगैरह काटते हैं, या दरांती जिसे कहते हैं कटर। ये नज़र आ रहा ऑगस्ट रे और सीन के बिल्कुल ऊपर अभी चल रहा था। आप लोग दोस्तों से वादा किया था कि वीडियो के एंड में आपको इसके बेस्ट सलूशन के बारे में बताया जाएगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अगर आपने देखी है, कुछ भी कोई पोर्शन आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एग्रीमिनिया को। और ये आखिर में आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, रेडिएंट जी 60 ml फी 100 लीटर के हिसाब से थ्रिप्स का हमला कहीं भी हो और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।